वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन मैक्रोनीस। 2 कप मैंने मैक्रोनीस ले ली थी, पानी और से बॉयल आने लग गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप। उसमें मैंने लहसुन चॉप करके बारीक बारीक डाल दिए। अब इसे मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी ताकि लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, कलर चेंज करे। हल्का सा इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर दिए। आपने थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना है ताकि हमारा चिकन जो है वो कढ़ाई में लगे मत नीचे। अब चिकन को अच्छे से हमने फ्राई किया। थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह गल जाए। चिकन 5-10 मिनट में ही हो जाएगा। छोटी छोटी बोटियाँ, देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब इसमें काली मिर्च डालें आप, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालें आप इसमें। दूसरी तरफ हमारी मैक्रोनीज देखें बॉयल हो रही है, 15 मिनट में बॉयल हो जाएंगी। अब इसमें आपने काली मिर्च डाल दी थी, अब इसमें आप 1 टीस्पून ही सोया सॉस डालें और सिरका डालें और टमाटो केचप। आपने टमाटो केचप ज़्यादा डालनी है और चिली केचप भी। टमाटो केचप, चिली केचप आप डालें, इसे मिक्स करें। काली मिर्च मुझे कम लग रही थी, मैंने फिर डाल दी। अब देखिए हमारी मैक्रोनीस भी बॉईल हो गई है। अब मैंने उसके अंदर मैक्रोनीस डाल दिया। अच्छी तरह आप इसे मिक्स करें। देखिए हमारी मैक्रोनीस तैयार है, ये सर्व की है मैंने। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए।